हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जूस लाइव। तो आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी ब्रेड सैंडविच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कैरेट को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है, छोटे पीसेस में मैंने ग्रेट किया है। और उसके बाद हमने ले लिया है अनियन, जिसे मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। और सेम टाइप में हमें बारीक चॉप करके टोमेटो भी ले लेना है और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स भी। और उसके बाद टोमेटो चटनी और ग्रीन चिली चटनी। अगर आपको इन दोनों की रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसके बाद चार ब्रेड ले लेना है और उसके बाद खारी बूंदी और थोड़ा सा दही भी ले लेना है। ये जो दही हमें ले लेना है वो हमें स्वीट लेना है। और आप देख सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगने वाला है दोस्तों, आप सभी को पसंद आना चाहिए, ऐसा मैं आज की रेसिपी बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक प्लेट और उस पर ब्रेड रख देना है और उस पर अच्छी तरीके से ग्रीन चिली का हम सॉस लगा देंगे। अच्छी तरीके से स्प्रेड करके लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा ना, चटपटी जैसी टेस्ट आ जाएगी। जैसे कि हम सैंडविच बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आने चाहिए। और उस पर अब हम क्या करेंगे, थोड़े से कैरेट भी डाल देंगे, जो हमने ग्रेट करके लिया था वही हम स्प्रेड करके डाल देंगे। देखिए इस तरीके से बारीक हमें ग्रेट करना था। और उसके ऊपर हम और एक ब्रेड का स्लाइस रख देंगे और टोमेटो का सॉस भी हम लगा देंगे। और मैंने ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, तो आप जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से अच्छी तरीके से स्प्रेड करने के बाद इस पर हम डाल देंगे टोमेटोज, जो कि हमने ओनियन के जैसे ही बारीक चॉप करके लिया था। थोड़ा सा पानी निकाल देंगे वरना हमारा ब्रेड के स्लाइसेस पूरे नरम हो जाएंगे। और उसके ऊपर भी हम ब्रेड का स्लाइस रख देंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा सॉस डाल देंगे, उसे भी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और उसके ऊपर बारीक कटे हुए ओनियंस भी हम डाल देंगे और उसके ऊपर फिर से और एक ब्रेड का स्लाइस रख देंगे। देखिए चार लेयर्स हो चुके हैं, यानी हमने चार ब्रेड्स उस पर रख दिए हैं। थोड़ा सा दबा लेंगे हम और उसके बाद और एक तैयार कर देंगे। सेम एसिडिटी स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। और जो रेसिपी है ना दोस्तों, वो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी लगने वाला है हमें। सॉस जो है आपकी मर्जी है, आपको जो सॉस डालना है वो आप डाल सकते हैं, जितना डालना है आप डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ रोस्टर ले लिया है और उसमें दोनों ब्रेड्स रख देंगे। जब तक ये लाइट बंद होगा तब तक हम इसे रोस्ट कर देंगे। ये फिलिप्स का रोस्टर है मेरा, देख सकते हैं कितना क्रंची हो चुका है। और उसके बाद ये तैयार है, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें इसे और डेकोरेट और टेस्टी बनाना है, तो इसलिए हम इस पर थोड़ा सा दही डाल देंगे। दही डालने के बाद ग्रीन चिली सॉस हम इस पर फिर से डाल देते हैं ताकि ऊपर भी अच्छी तरीके से टेस्ट आ जाए। और उसके ऊपर सॉस हम डाल देंगे, टोमेटो सॉस और थोड़ी सी खारी बूंदी। फिर से थोड़े से डाल देंगे, जितना आपको चाहिए उतना। और कोरिएंडर लीव्स भी हम डाल देते हैं। तो सर्व कर दिया है हमने ये टेस्टी सैंडविच, ब्रेड सैंडविच। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। अगर आपको इसे थोड़ा सा अलग टाइप में बनाना हो तो आप चीज़ी भी बना सकते हैं, चीज़ डालकर भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा टेस्ट ना मोज़रेला चीज़ से आ जाता है, तो इसलिए इसमें आपको मोज़रेला चीज़ डाल के बनाना होगा अगर आपको चीज़ चाहिए तो। तो ये था थोड़ा सा सिंपल सा और टेस्टी सा सैंडविच, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको चीज़ी वाला चाहिए तो हम अभी बना लेते हैं, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ इसके ऊपर चीज़ थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया है ब्रेड के। अनियन के स्लाइस पर हम चीज़ डाल देंगे और रोस्ट कर देंगे। देखिए हो गया है हमारा चीज़ वाला।
ये बहुत ही चीज़ी लगने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है। और उसके ऊपर अगर आपको दही डालना है तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालिए। मैंने दही डाल दिया है और सेम एज इट इज स्टेप्स हम कर देंगे, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस और थोड़े से खारी बूंदी। और ये इसकी जो टेस्ट आएगी ना चीज़ी, बहुत ही अच्छा आएगा, थोड़ा सा पिज़्ज़ा जैसा भी आ जाएगा दोस्तों। और थोड़े से कुछ मसाले भी डाल देते हैं, कोरिएंडर लीव्स भी, कुछ मसाले डाल दिए हैं मैंने। देख सकते हैं, और आप अगर इसे तोड़ेंगे तो बहुत ही चीज़ी लगने वाला है। तो दोस्तों इसे ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। बाय बाय।